हेलो गाइस, आज है नवरात्रि और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस, आज जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है वो एक तो नवरात्रि की बधाई और दूसरा जो खेल महाकुंभ चालू हो गए हैं, खेल महाकुंभ जो चालू है उनमें अभी जो है रजिस्ट्रेशन होने चालू हो गए हैं, तो बहुत कम समय बचा है, इसलिए रजिस्ट्रेशन जो है तुरंत कर लें। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यहां तक अगर आप आ ही गए हैं तो करके ही जाइएगा। बिना देखिए काफी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार के वीडियोस को बनाने में, तो इसलिए इतनी मेहनत करने के बाद एक लाइक तो बनता है। देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, तो इसलिए जमकर लाइक करें और शेयर भी जरूर कर दें, धन्यवाद। सबसे पहले आप जाएंगे गूगल क्रोम में और फिर जाएंगे उसके सर्च बार में। यहां पर आपको लिखना है खेलो इंडिया, के एच ई एल ओ खेलो के साथ UK.IN, खेलो UK.IN। तो यहां से आप देख पाएंगे, जैसे आप इस प्रकार का कुछ लिखते हैं तो ये देखिए इस प्रकार के आपको का लिंक आपको दिख पड़ता है, इंटरफेस जिसको कह सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको दिखेगा खेल महाकुंभ 2024 रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रीन लाइन पर क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है ये देखिए, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है ना। तो क्लिक करें, ये लीजिए, नेट का जो कनेक्शन है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए यहाँ पर, जैसे कि इसमें इसके नियम से लिखे हैं, इनको भी आपको पढ़ लेना है कि ये क्या क्या नियम से यहाँ पर लिखे हैं। 11 से 14, 15 से 17, 18 से 20, 21, 23 और फिर उसके बाद हैंडीकैप्ड। तो इसमें बेनिफिट यह है कि जो आप पैसा जीतते हैं वो सीधा आपके बैंक खाते में जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। सारे नियम्स जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको पहले रीड कर लें और उसके बाद ही फॉर्म भरें, ठीक है ना। तो इसलिए ये देखिए ये लिखा है पूरा, आगे चले तो यहाँ पर आपको जो जो डेटा भरने के लिए कहेगा उस डेटा को आपको भरना है, तो मैं भरते जाता हूँ। कोई भी डेटा देखिए गलत नहीं भरना है, पहला, मिडिल और आखिरी, ये तीनों अलग अलग कॉलम है, तो इनको अलग अलग रूप से ही आपको फिलअप करना है। फिर आ जाता है यहाँ पर, आपको देखो लिखा हुआ है, जैसे जैसे लिखा हुआ है उन चीज़ों को आपको फिलअप करते जाना है। यहाँ पर आपको आ जाता है मदर नेम, फ़ोन नंबर, फिर आ जाता है आपको जेंडर, तो इनमें सब चीज़ें आपने फिलअप करते जानी है। यहाँ पर आप कैसे भरें, सबसे मुख्य चीज़ है इस जगह पर कैसे भरें। इसको भरने के लिए मैं आपको दिखलाता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर क्लिक करें, ये देखिए क्लिक किया, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, इसको आपने इस जगह से क्लिक करते हुए, किस जगह से, इस जगह से क्लिक करते हुए बैक जाना है, जहाँ भी आपकी आपका ईयर है, जो साल है वहाँ तक जाना है। और ईयर लिखा कहाँ है यह देखिए यहाँ पर लिखा है, इसको बैक जाते 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 आपको पीछे जाते रहना है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे वैसे वैसे ये देखिए पीछे चले गया है। तो यहाँ से आप मंथ को, मंथ भी आप देख लीजिए, यहाँ पर मंथ भी लिखा हुआ है, इसको भी आपने देखते हुए जाना है। और मंथ जैसे ही आपको उस मंथ तक पहुँच जाते हैं जिस मंथ में आपका जन्मतिथि है, तो उसके बाद आपको इनमें से कोई सी भी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। क्या कर लेनी है, डेट सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ इतने सारे ये सभी दे रखी है, यहाँ से डेट सेलेक्ट करके उसके बाद सेट कर देना है। उसके बाद आपको आ जाता है, यहाँ पर भी आपको फिल कर देना है, ये आपको अपना जो भी आपका पड़ता है ब्लॉक वहाँ फिल कर देना है, न्याय पंचायत जो भी आपकी पड़ती है वो भी आपने फिल कर देनी है। सपोज करा मैं ये कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको अभी दो ही कैटेगरी दिख रही हैं, क्योंकि अभी तक जो है ना
जो खेल महाकुंभ है वो इन दो कैटेगरीज का न्याय पंचायत स्तर से चालू होता है, तो न्याय पंचायत स्तर वाले दो कैटेगरीज आपको यहाँ पर दिख रही है, और इसके बाद जो है 17 से अबव वाली इसके बाद फिर से पुनः आएंगी, ठीक है ना। तो उसके बाद स्पोर्ट्स में आप यहाँ से देखिए, जो भी स्पोर्ट्स आप खेलना चाहते हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन खेलों के अलावा जो भी खेल आपने, अगर सपोज करा बैडमिंटन, बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं पिछले वीडियो पे कि बैडमिंटन का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर, डबल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ट्रिपल का ऑप्शन, ये डबल और ट्रिपल का ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना आपको कबड्डी में। आप सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करिए, जो आपका साथी है वो अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, और फिर आप जब वहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वहाँ पर आप अपनी टीम बना के खेल सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर आप दोनों एक ही हो जाएंगे, लेकिन आप अपना जोड़ा बना लें। यहाँ पर से आपको सबको सेपरेट फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा कोई भी खेल, सब एथलेटिक्स में ही आते हैं, तो एथलेटिक्स में जो भी आपको यहाँ दिख रहे हैं अगर उनमें से है तो ठीक है, नहीं तो आप एक इवेंट और चूज कर लीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर, आप यहाँ पर भी देखें, देखिए यहाँ इनके बारे में बात करना, इनके बारे में बोलना थोड़ा सा दिक्कतदाई है, पिछली वीडियो रिमूव्ड हो चुकी है यूट्यूब से, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत इन चीज़ों को बोलना या किसी को एनकरेज करना इन चीज़ों के लिए वो गलत है। तो यहाँ पर आप फिर आ जाता है आपका अपलोड करने के लिए, क्या ये देखिए यहाँ पर लिखा है अपलोड करने के लिए, तो अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए इस जगह पर क्लिक करेंगे, किस जगह पर क्लिक करेंगे, इस जगह पर क्लिक करेंगे, तो इस जगह पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से भी आपको वो करना है, ठीक है ना। गैलरी में आप पहुँच जाएंगे, गैलरी से सपोज करें इस प्रकार से आप चूज करें और उसको अपलोड कर दें, अपलोड कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं, देखिए इसको आपने बिल्कुल सही सही भरना है, ठीक है ना, इसको आपने अपलोड करना है यहाँ पर। और जैसी यहाँ पर क्लिक करेंगे अपलोड करने के लिए, क्लिक कहाँ करना है, यहाँ करना है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको पुनः मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर आ गया है, इसको हम अपलोड कर देते हैं। फिर यहाँ पर आपको फिलअप करने के लिए कहता है, तो इसको आपने ध्यान से फिलअप करना है, जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आएगा, तो इसको आप ये ध्यान रहे कि यहाँ पर बिल्कुल सही सही भरना है, इसमें कहीं भी मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए। फिर नीचे आ जाते हैं, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप आसानी से इसको भर सकते हैं, और भरने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर अपना जो भी, जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये देखिए इस प्रकार से राइट साइड में आपका जो कीबोर्ड है वो बंद करके आ जाता है, ठीक है ना, ये देखिए ये कीबोर्ड आपका बंद करके आ जाता है, तो उसको वहाँ से आप लिख सकते हैं इनमें। और फिर आ जाता है कैटेगरी, कैटेगरी को भी आप यहाँ पर से चूज़ कर सकते हैं, जो भी कैटेगरी आपकी बनती है उस कैटेगरी को यहाँ पर से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप आ जाते हैं थोड़े से नीचे, यहाँ पर इस जगह पर ये देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, ये अपलोड करना आपको ज़रूरी नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहें तो फिर कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि आपने अपलोड किया क्या है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कुछ आपको दिखाई देंगे ऑप्शन, तो इनमें आपको चूज़ करना होता है, ठीक है ना, कि आप क्या कर रहे हैं, क्या अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर भी, ये भी आपके पास ऑप्शनल हैं, जो जो ऑप्शनल हैं मैं आपको उनको इंगित करते जाता हूँ, बट ये आपके पास ऑप्शनल नहीं है, कौन सा, ये, ठीक है ना, स्कूल का नाम आपका ऑप्शनल नहीं है, ये आपको फिलअप करना ही करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इन चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक भरिएगा, जो ये चीज़ें आ रही है आपके समक्ष, क्या, एक तो ये देखिए इसको बहुत ध्यान से भरना है, दूसरा ये देखिए इसको भी बहुत ध्यान से भरना है। इन पर थोड़ा सा मैं ब्लरिंग कर दूंगा क्योंकि ये चीज़ें कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत प्रतिबंधित हैं, तो थोड़ा सा ब्लर करूंगा, तो आप जब फॉर्म खोलेंगे तो आपको ये चीज़ें वहाँ पर साथ साथ मिलते जाएंगी, ठीक है ना, तो आप उनसे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लीजिएगा, इनको हल्का सा ब्लर कर दिया जाएगा।
जिससे कि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत प्रतिबंधित ना हो। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं, तो और नीचे आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार के ऑप्शन दिखते हैं, इनको भी आपने यहाँ पर क्लिक करते हुए भरना है, ये भर देना है, ये भर देना है। देखिए मैंने कितने साफ सफाई के साथ यहाँ पर भर रखे हैं, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं, ये देखिए किट साइज, किट साइज में अगर आप बात करें तो आपका साइज जो भी है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। अगर आप बहुत छोटे साइज के हैं तो आपको एक्स्ट्रा स्मॉल करना है, आप खाली छोटे हैं तो स्मॉल करना है। मीडियम रेंज के आप कैंडिडेट हैं तो आपको मीडियम पर क्लिक करना है। अगर आपका शरीर थोड़ा सा ठीक ठाक है, मीडियम से औसत से ज़्यादा है, तो आपको लार्ज पर करना है। अगर आप एकदम हेल्दी हैं, लंबे चौड़े बिल्कुल मोटे तगड़े हैं, तो आपको एक्सेल पर चूज करना है। तो इनमें से चूज करने के बाद और अंततः आपके पास आता है ये वाला बटन, कौन सा, ये, ठीक है ना, ये देखिए सबमिट का ऑप्शन। इसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे वैसे स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा यूअर रजिस्ट्रेशन नंबर इज करके, कुछ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप अपने पास प्रिजर्व रख लीजिएगा। और वो जब आपको वहाँ पर जिस समय आप खेलकूद करने जाएंगे, आपके न्याय पंचायत में जब भी खेलकूद होंगी वहाँ पर वो नंबर आपको चाहिए होगा। जो फॉर्म होगा उसके ऊपर लिखना होता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसको आप अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा। और इसका मैसेज ना आपके ईमेल आईडी पर भी आएगा, जो ईमेल आईडी में आपने यहाँ पर फिलअप करी थी, ठीक है ना। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये सभी को चाहिए, हर बच्चे को इसको फॉर्म भर के ही खेलकूद में प्रतिभाग होना है, तो इसलिए सभी लोग इसको अनिवार्य रूप से समय रहते भर लें। ये इसी साल नहीं, अगले आने वाले साल उसके लिए भी आपके काम आएगा, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा, तो इसलिए आप ज़रूर भर लें। चाहे आप 23 ईयर तक के हो गए हों तब भी आप इसको भर सकते हैं, और नीचे तो लोअर लिमिट का तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी जरूर करिएगा। देखिए वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।